नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का उपयोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट चिंता व तनाव को दूर करती है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है। इसके अलावा एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का उपयोग माइग्रेन और न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द, इसलिए नसों के दर्द को ठीक करने के लिए भी एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जो बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, ऐसे बच्चों में रात में बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को देने की सलाह दे सकता है। एमिट्रिप्टिलिन एक सोल्ट नेम है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को ट्रिप्टोमर और एमीटोन आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट 10 mg, 25 mg, 50 mg और 75 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने के बाद नींद ज्यादा आती है, इसलिए ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं। शुरुआत में डॉक्टर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को एमिट्रिप्टिलिन 10 mg या एमिट्रिप्टिलिन 25 mg टैबलेट को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं। लेकिन एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की खुराक शरीर के वजन, उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से मुंह में सूखापन, सिर चकराना, वजन का बढ़ना, धुंधला दिखाई देना और नींद अधिक आ सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से कब्ज की समस्या भी हो सकती है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से कब्ज ना हो, इसके लिए आपको कच्चे फलों, सब्जियों व पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को देना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है और एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट की वजह से आपके दिमाग की सतर्कता कम हो सकती है। एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को
एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ